विस्तार से राजस्थान कांग्रेस में चले सियासी घमासान के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी की जिम्मेदारी संभालने वाले अजय माकन राजस्थान के दौरे पर हैं। माकन का पीसीसी पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं ने स्वागत किया। माकन अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। पीसीसी में परसाराम मोरादिया, डॉक्टर चंद्रभान मीणा सहित कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। माकन आज शाम 5 बजे पीसीसी में मीडिया से रूबरू होंगे। वहीं 1 सितंबर को जयपुर संभाग के नेताओं से पीसीसी में मुलाकात करेंगे। जयपुर संभाग के जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू जिले के नेताओं से जिलेवार मुलाकात करेंगे। प्रत्येक जिले में 50-50 नेताओं की संख्या निर्धारित की गई है। हर जिले के 50 नेताओं से अजय माकन सामूहिक मुलाकात कर सरकार के कामकाज का फीडबैक लेंगे। इसके बाद माकन 2 सितंबर को अजमेर जाकर अजमेर संभाग के नेताओं से मिलेंगे। वहीं अपने दौरे के दूसरे चरण में माकन जोधपुर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर और उदयपुर संभाग के नेताओं से मुलाकात करेंगे। चलिए, इस पर और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता विवेक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जी विवेक, अजय माकन यहाँ पर दौरे पर हैं और चरणों के अंदर माकन जोधपुर, भरतपुर, कोटा जाएंगे, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए प्रदेश में कांग्रेस में जारी सियासी संग्राम थमने के बाद अब कांग्रेस राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन जो है वो 3 दिवसीय दौरे पर राजस्थान आए हैं। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत पीसीसी चीफ, पूर्व चीफ सचिन पायलट के साथ उन्होंने मुलाकात की थी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से मुलाकात की थी और अब आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा का उनका कार्यक्रम है। 1-to-1 संवाद जो है अजय माकन यहां पर करेंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं पीसीसी दफ्तर है जहां पर कांग्रेसी नेताओं का जो है जमावड़ा बाहर फिर भी है, लेकिन एहतियात जो है यहां पर खास बरती जा रही है क्योंकि कांग्रेस के कई नेता जो है कोरोना संक्रमित पॉजिटिव सामने आए हैं, तो ऐसे में खास एहतियात यहां बरती जा रही है। माकन के पीसीसी दफ्तर पहुंचने से पहले यहां पर फॉगिंग और सैनिटाइजेशन का काम जो है पीसीसी दफ्तर में भी किया गया था और दफ्तर के आसपास भी यहां पर जो है कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराया गया था। साथ ही चुनिंदा नेताओं को जो है आज पीसीसी दफ्तर में जाने की अनुमति दी गई है। एक सूची जो है प्रदेश सेवादल कार्यकर्ताओं के पास यहां पर है, उन्हीं नेताओं जो वरिष्ठ नेता है, विधायक है, उन्हीं को जाने की अनुमति आज पीसीसी दफ्तर में दी गई है। सूची के बगैर अगर कोई नेता दफ्तर जाना चाहता है तो उसे मना ही कर वापस लौटा दिया जाता है। खास बात यह है कि जिस तरह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत खेमे के बीच जब विवाद पड़ा था उसी वक्त कांग्रेस आलाकमान के दखल के बाद वो विवाद थम गया था, लेकिन सचिन पायलट खेमे की ओर से कुछ मांगे जो है वो कांग्रेस आलाकमान के सामने रखी गई थी और सबसे बड़ी मांग जो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश खन्ना को हटाने की, अविनाश पांडे को हटाने की, अविनाश पांडे को जो हटा दिया गया है और अजय माकन को राजस्थान प्रभार की जो सौंप दिया गया है। प्रभार मिलने के बाद पहला दौरा जो है अजय माकन का ही राजस्थान का है। 3 दिनों तक यहां पर जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं संवाद करेंगे। पीसीसी दफ्तर में जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का पहुंचना जारी है। यहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता नमो नारायण मीणा पहुंच चुके हैं, पीसीसी पूर्व चीफ चंद्रभान सिंह यहां पर पहुंच चुके हैं, परसराम मोरदिया यहां पर पहुंचे थे, हेमा राम यहां पर पहुंचे, अशोक चांदना जो खेल मंत्री है वो यहां पर पहुंचे हैं, साथ ही गणेश घोगरा कांग्रेसी विधायक और यूथ कांग्रेस के नए राजस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष वो यहां पर पहुंचे, तो तमाम नेताओं विधायकों का पहुंचना यहां पर जारी है। करीब 50 नेताओं से आज अजय माकन जो है पीसीसी दफ्तर में मुलाकात करेंगे, 1-to-1 संवाद करेंगे। इसके बाद रिपोर्ट तैयार कर जो है कांग्रेस आलाकमान को सौंपी जाएगी। कल मंगलवार को जो है जयपुर संभाग के तमाम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम है। संभागवार जो है चर्चा कांग्रेस नेताओं से कल से की जाएगी, जिसके बाद बुधवार को जो है अजमेर संभाग के कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेंगे। ये माना जा रहा है कि 3 दिवसीय दौरे के दौरान जो है सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुट के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे मुलाकात कर उनकी नज़र टटोलेंगे कि आखिर किस स्तर पर जो है दोनों खेमों और धड़ेबाजी बटी हुई है, किस तरह से इस गुटबाजी को खत्म किया जा सकता है और वापस कैसे जो है संगठन को मजबूती दी जा सकती है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि एक बार आलाकमान के दखल के बाद विवाद थम गया है लेकिन दबे सुर अब भी जो है
दोनों खेमों के नेता एक दूसरे से जो है काफी खफा यहाँ पर नजर आते हैं। ऐसे में किस तरह से वापस राजस्थान कांग्रेस के तमाम नेताओं को एकजुट किया जाए, एक बड़ी चुनौती जो है माकन के सामने है और इस चुनौती को दूर करने के ही तमाम यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं और मंत्रियों विधायकों की नब्ज यहाँ पर टटुड़ी जा रही है। ये माना जाता है तीन दिनों तक जो दौरे के दौरान जो 1-to-1 संवाद किया जाएगा, नेता क्या चाहते हैं, किस खेमे के नेता जो है वो क्या उसकी जो मन की बात है, किस तरह का उसका विचार है, क्या वो सत्ता और संगठन में फेरबदल चाहता है, उसके बाद ये माना जाता है रिपोर्ट आलाकमान को सौंपी जाएगी। फिर नए पीसी चीफ तो गोविंद सिंह डोटासरा को बना दिया गया, लेकिन कार्यकारिणी की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। नई कार्यकारिणी में दोनों खेमों से जो है नेताओं को शामिल किया जाएगा, साथ ही मंत्रिमंडल में विस्तार जो होना है उसमें भी इस रिपोर्ट के आधार पर नेताओं को शामिल किया जाएगा। तो बने हुए थे जो दो गुट बने हुए थे कांग्रेस खेमे में इस अजय माकन के दौरे के दौरान, ये जो दो गुटबाजी चल रही थी वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जो गर्मा गर्मी थी वो तो सामने खत्म हो चुकी है, मगर वो पूरी तरीके से खत्म होगी या नहीं? बिल्कुल, देखिए दोनों खेमों के बीच जिस तरह का बवाल मचा था, पीसी चीफ सचिन पायलट जो थे तत्कालीन, उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेमे पर आरोप लगाए थे, उनके समर्थक नेताओं को तरजीह नहीं दी जा रही थी, उनके क्षेत्र में काम नहीं किए जा रहे थे, साथ ही जो युवा वर्ग है उसकी तरफ जो खासा ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो इस तरह के तमाम आरोप लगाए थे। साथ ही जो अविनाश पांडे जो कांग्रेस के प्रभारी थे उन पर भी उन्होंने आरोप लगाए थे, और ऐसे में कुछ मांगे जो सचिन पायलट खेमे की ओर से आलाकमान के सामने रखी गई थी, जिसके बाद कांग्रेस आलाकमान ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, माकन भी उस कमेटी में शामिल थे। पहली मांग जो अविनाश पांडे को हटाने की थी वो उसी समय जो है कांग्रेस आलाकमान ने पूरी कर दी थी, और अविनाश पांडे को हटाकर अजय माकन को जो है राजस्थान कांग्रेस प्रभार की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसके बाद माकन जो है पहला दौरा राजस्थान का माना जा रहा है। हालांकि सियासी घटनाक्रम के बीच भी जो है